सबसे बुनियादी रंग जो चढ़ता है किसी शख्स के ऊपर वो उसकी फैमिली से चढ़ता है। किसी एक शख्स ने भी हमें बेहसीते पुलिस ऑफिसर दिया गार्डियंस, किसी ने हमें ईद मुबारक तक नहीं कहा। नहीं कहा। दिन में अगर 100 कॉल्स 15 पे आती हैं तो उसमें से 90% कॉल्स फेक होती हैं। कोई देखे ना देखे, खुदा तो देख रहा है ना। अवाम इटसेल्फ इस पे एजुकेटेड नहीं है। अवाम उन वैल्यूज को फॉलो नहीं करती या करना नहीं चाहती क्योंकि उनको इजी एक्सेस मिलती है दूसरे रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। मेरा एक ही रोल जाना जाता है कि ये पुलिस ऑफिसर है, और पुलिस ऑफिसर के होने की भी एक टिपिकल मेंटेलिटी है सोसाइटी में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शमशा अवान, और मैं हूं मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ के खुदा अपनी रहमते बेपाया से आपका दामने उम्मीद भर दे, और इस उम्मीद के साथ के आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। आज भी हमने अपने प्रोग्राम में एक टैलेंट को दावत दी है हमेशे की तरह, और हम कोशिश यही करते हैं कि पंजाब पुलिस के जितने टैलेंट हैं उनको अपने शो में इनवाइट करें। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मंशा यार साहब, जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं पंजाब पुलिस में। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और आज हम हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि वो किस तरह से ये सब कुछ कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो एमफिल भी कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ एमफिल भी कर रहे हैं। इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। सर, वेरी वेरी वार्म वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और 700 से ज्यादा आपने इस वक्त लेक्चर या स्टैंडिंग दे चुके हैं, तो आप ये मुझे बताइए कि ये जो बोलने का हुनर है ये किस तरह से आया? बोलने के हुनर के बारे में एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मैंने सुन रखी है कि ये सुनने से आपको बोलना आता है। अच्छा। अ पर्सन हु कांट लिसन प्रॉपर्ली, he can't speak properly. तो जैसे लिखना जो है वो पढ़ने से आता है। लिखना पढ़ने से आता है। तो आपको बोलना सुनने से आता है, और सुन सुन के आपको आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपके अल्फाज का चुनाव, आपका सेंटेंसेस का इंतखाब, ये चीज़ें आप जब सुनते हैं किसी को और आपके कानों में बाकायदा ये फ्रीक्वेंटली आपको मसरूर करती हैं, तो फिर अल्टीमेटली आपके अंदर जब कोई ख़जाना भर जाए तो फिर उसने अपने फ्लो में भी तो बहना होता है। तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट मैं देता हूँ कि आई एम अ गुड लिसनर। जी मंशा साहब, आप बताइएगा मुझे कि सबसे जो हमारे बेसिक इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, हमें कहाँ से जो है हम सीखते हैं एथिक्स को, मोरल्स को, अपनी वैल्यूज़ को, वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से हम सीख सकते हैं और जहाँ से हमें अपने बच्चों को सिखाने चाहिए? सबसे बुनियादी रंग जो चढ़ता है किसी शख्स के ऊपर वो उसकी फैमिली से चढ़ता है। अच्छा। ख़ानदान सबसे बुनियादी इंस्टीट्यूशन है, उससे बड़ा अदारा कोई नहीं है, और उसके जो इम्पैक्ट्स रहते हैं आपकी शख्सियत पर वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। ठीक है। इवन टिल योर लास्ट ब्रीथ आप अपने खानदान को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर एक बात ना करूं तो ज्यादती होगी। वो कहता है कि मैं कागज़ पे लिखे शजराए नसब को नहीं मानता, के बात करने से कबीले का पता चलता है। मंशा साहब, इसमें मैं भी एक बात ऐड करूं। जी जी। कि वो उन्होंने कहा कि जो है माथे पर किसी के कुछ नहीं लिखा होता, आदतें जो होती हैं वो नस्लों का पता दे देती हैं। ऑफ़ तो माथे पर नहीं लिखा होता कि मेरी नस्ल क्या है या मेरी जात क्या है, मेरी आदत बताएंगी कि मेरी नस्ल क्या है, मेरी जात क्या है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो इसी तरह से खानदान जो है ये बुनियादी इकाई है जहाँ से आप सब कुछ सीखते हैं। आपके लहजों में खानदान की चाशनी टपकती है, आपके आपके लफ्ज खानदानी होते हैं। आप देखते होंगे चूंकि हम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से हैं तो लोग आपसे 2-4 मिनट बात करके पूछते हैं कि आप फलां पट्टी से तो नहीं हैं, बिल्कुल फलां शहर से तो नहीं है, तो ऐसा क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमारी अपनी पहचान हुआ करती है। तो पहचान हमें खानदान देते हैं। तो सबसे बेसिक यूनिट जो सोशलाइजेशन का, जो मॉरल्स का, जो वैल्यूज का है, वो खानदान है, फैमिली है। दैट इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन एंड दैट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। जब उसने अपने फंक्शंस को प्रॉपरली फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया तो फिर सोसाइटी के अंदर एक रेवोल्यूशनरी चेंज जो हम हर रोज पिछले 73 साल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यकीनन आ सकता है। ठीक है। वी हैव टू जस्ट मेक करेक्शंस इन दैट प्राइमरी, और उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा अपने फैमिली इंस्टीट्यूशन, उसकी बॉन्ड्स मजबूत करनी होंगी जो कि अब हमसे थोड़ी सी वो खिसकती जा रही है हमारे हाथों से। तो दैट्स द। अच्छा मंशा साहब, आप एमफिल कर रहे हैं और आपके जो एमफिल के थीसिस है उसका जो टॉपिक है वो पब्लिक और पुलिस का जो रिलेशनशिप है आपस में, उसके हवाले से आपने बताया था मुझे। इस हवाले से हम बात करते हैं कि इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, पब्लिक का जो एक ट्रस्ट होता है डेवलप नहीं है पुलिस वालों पर, इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? उसमें 2-3 चीज़ें दोनों तरफ से हैं। खास तौर पर पुलिस अपना भरपूर काम कर रही है, अपने अवेलेबल रिसोर्स में रहते हुए पुलिस कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है, लेकिन इस लॉयलमेंट को, इस लॉयलशिप को सोसाइटी जब तक एक्नॉलेज नहीं करती, उसको वेलकम नहीं करती,
तब तक ये रिलेशनशिप मजबूत नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे बहुत सी ईदें मैंने खुद ऑन ड्यूटी पढ़ी हैं और पढ़ाई हैं मस्जिदों के बाहर, तो उस वक्त एक बार मेरे साथ एक चाचा जी थे जो कांस्टेबल थे, उनकी उम्र तकरीबन 55 साल से ज़्यादा थी। तो ईद नमाज के बाद जब लोग खुतबा सुन के दुआ करके ईद मिलके जब वो मस्जिद से निकल रहे थे, तो किसी एक शख्स ने भी हमें बेहसीते पुलिस ऑफिसर दियर गार्डियंस, किसी ने हमें ईद मुबारक तक नहीं कहा। तो वो चाचा जी इतने रोए, इतने रोए उस दिन, वो ठाठे मतलब वो आहें उनकी इतनी निकली ज्यादा, बड़े तकलीफ से रोना था उनका। ये सिविक सेंस क्या होती है और ये किस तरह की एथिक्स है, ये कोई मोरल्स हैं या कोई एटिकेट्स हैं या मैनर्स हैं, ये क्या चीज़ है? इसके नाम से यूँ लगता है जैसे कोई बड़ा नया वर्ड हो, पहली बार हम सुन रहे हो, लेकिन सिविक सेंस बहुत जनरल एक टर्म है। आपको जिंदगी गुजारने के जो अंग ढंग हैं सारे वो आने चाहिए। अच्छा। उसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपका एमफिल मास्टर्स होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको एटिकेट्स होने चाहिए, आपको उठने बैठने का पता हो, आपको बड़े छोटे का पता हो, अदब हो, लिहाज हो, सड़क क्रॉस करने का पता हो, यानी वो बेसिक चीजें, इवन के ये तो लॉज तक भी नहीं जाती। मजे की बात है, सिविक सेंस जो है इट इज नॉट रिलेटेड टू लॉ इवन, ये आपके सोसाइटी के कल्चरल पैटर्न्स का नाम है। आप उनको फॉलो करें, आपको पता हो कि किस कम्युनिटी में जाके किस तरह से ट्रीट करना है, कैसे बैठना है। इसका तालीम के साथ आज हमने अगर इसको जोड़ दें तो डिग्रीज के अंदर सिविक एजुकेशन बहुत कम है। सिविक एजुकेशन आपको अपने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन देते हैं, मिसाल के तौर पे पुलिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, और पुलिस में रहते हुए हम बहुत सी चीजें सीखते हैं जो नॉन पुलिस नहीं सीखते। तो दिस इज पुलिस सिविक सेंस। तो सोसाइटी के भी अपने रूल्स हैं, टैबूस हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं और कल्चरल पैटर्न्स हैं। तो सोसाइटी के कल्चरल पैटर्न्स को एज इट इज सीखना और उनको करेक्टिवली सोसाइटी में अप्लाई करना, इट कैन बी कंसीडर्ड एज सिविक सेंस। ओके, सोसाइटी की हम बात तो कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सोसाइटी में लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, जैसे 15 एमरजेंसी हेल्पलाइन लोगों की मदद के लिए बनाई गई है, लेकिन दिन में अगर 100 कॉल्स 15 पे आती हैं तो उसमें से 90% कॉल्स फेक होती हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, लोग क्यों फेक कॉल्स करते हैं और उनकी क्या जिम्मेदारी है इसको ठीक करने में? देखिए, जब किसी शख्स ने कोई फेक काम करना होता है तो उसका उसके मटेरियल सराउंडिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा। उसका उसके नॉन मटेरियल के साथ ताल्लुक होता है, उसका उसके माइंडसेट के साथ ताल्लुक होता है। वो कोई खास शख्स किसी खास तबके अदारे और शख्स के लिए क्या मेंटेलिटी रखता है। तो फर्ज करें जो 90% या 90 कॉल्स अगर आपको फेक आती हैं, तो इट शोज के दे पीपल आर नॉट कंसीडरिंग एंड एक्नॉलेजिंग द एक्चुअल रोल ऑफ पुलिस इन कम्युनिटी। क्या उनकी एजुकेशन ठीक नहीं थी या उनके घर में नहीं उनको बताया गया कि आपने इस तरह से सोसाइटी में सर्वाइव करना है आप लोगों ने? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एजुकेशन जो है, अब देखें उनमें से अगर आप उन 90 कॉल्स को थोड़ा सा ऑपरेशन करें उनका, उनमें से मुमकिन है कि कुछ कॉल्स ऐसी हों जो हाईली एजुकेटेड लोगों ने की हों। बिल्कुल, इट कैन बी पॉसिबल ना, पॉसिबल। तो वो फिर एजुकेशन का क्या ताल्लुक हुआ उसके कुछ साथ? भी उसका एजुकेशन से ज्यादा आपके वैल्यू सिस्टम के साथ ताल्लुक है, आपके एथिकल, आपके मॉरल्स के साथ ताल्लुक है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है। और जब नॉर्म्स एंड वैल्यूज को आप पोर्ट्रे करते हैं थ्रू दिस मीडिया, वी आर राइट नाउ पोर्ट्रेइंग पुलिस वैल्यूज एंड नॉर्म्स टुवर्ड्स सोसाइटी। तो इसी तरह से जब आप सोसाइटी में इसका बोलबाला होगा, जिस तरह आज के दौर में इकोनॉमी का बोलबाला है, जिस तरह आज के दौर में पावर का बोलबाला है, स्ट्रेंथन का बोलबाला है, इसी तरह से जिस दिन रूल का बोलबाला हो, मास्टर इसको फॉलो करना शुरू कर दे। अब देखिए, अगर एक ट्रैफिक सिग्नल पे एक वार्डन खड़ा है, तो वहां पे सारे लोग बहुत शरीफाना अंदाज में आके रेड सिग्नल पे स्टॉप करते हैं, बट इफ दैट पर्सन इज नॉट स्टैंडिंग ओवर देयर, फिर क्या होता है? बस चले जाते हैं वहां से। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। कोई देखे ना देखे, खुदा तो देख रहा है ना। अच्छा मंशा साहब, आपने बात की कि ट्रैफिक के हवाले से बात की, पुलिस जो है एक लॉ इन्फोर्समेंट जो है एक इदारा है, लॉ को इन्फोर्स करता है और मेक श्योर करता है कि हर बंदा जो है वो कानून के मुताबिक चले। आप पतंगबाजी की बात कर लें, आप कम उम्र जो है ड्राइविंग की बात कर लें, आप ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर जो है वो ड्राइव करते हैं उसकी बात कर लें, वन वे वायोलेशन की बात कर लें, या कोई भी जुर्म, क्या हमें पुलिस ने सिखाया कि ये करें? हम जब पुलिस जाती है, छतों पर जाती है, आपके बच्चे पकड़ लाती है, आपका बच्चा जो है वो वन व्हीलिंग करता है, उसका सर फट जाता है, फिर आप वो अगर कोई पकड़ ले तो पुलिस को बुरा कहा जाता है, ऐसा क्यों है? क्या एज अ शहरी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि हम जो है वो लॉ को मतलब उस पर अमल करें? फिर जब हमें पुलिस इन्फोर्स करती है
तो हम कहते हैं कि ये पुलिस बुरी है, तो एज अ शहरी है या एज अ मुआशरा के हम बिल्कुल ठीक है? अगर अवाम के अंदर ये शऊर हो इस बात का तो पुलिस के ऊपर कई तरह के जो इल्ज़ामात लगते हैं, पुलिस के बारे में र्यूमर्स फैलती हैं, वो र्यूमर्स को हम बड़ा अच्छा अवाम खुद काउंटर कर सकती है, लेकिन करती क्यों नहीं? क्योंकि अवाम इटसेल्फ इस पे एजुकेटेड नहीं है, अवाम उन वैल्यूज को फॉलो नहीं करती या करना नहीं चाहती, क्योंकि उनको इजी एक्सेस मिलती है दूसरे रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम जिस वजह से पुलिस को हिट किया जाता है। अच्छा, मैं आपसे एक मंशा साहब लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस बारे में आप सोसाइटी को एजुकेट करें कि हम ये कहते हैं, मसलन मेरे नेबर्स थे, उसमें उनके हस्बैंड की डेथ होगी और उनके बच्चों समेत उस औरत को घर से निकाल दिया गया। अब उसने ये कहा कि ये पुलिस वाले की गलती है कि ये मुझे इस घर में क्यों नहीं रख रहा, हालांकि पुलिस की भी एक सर्टेन लिमिटेशंस हैं, वो उसके आगे नहीं जा सकती और फिर वो मामला कोर्ट के पास चले जाता है, कोर्ट जो फैसला करेगा वो पुलिस जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएगी, जबकि हमारी सोसाइटी में ये शौर नहीं है, वो लगता है कि पुलिस आ गई है, उसके हाथ में सब कुछ था लेकिन उसने जानबूझकर नहीं किया। इसके बारे में आप आवाम को कैसे एजुकेट करना चाहेंगे कि सर्टेन लिमिटेशंस हमारे ऊपर भी हैं, उस लिमिट को हम क्रॉस नहीं कर सकते, हम उसी सर्कल में रह के सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं, लॉ के आगे हम नहीं जा सकते। बिल्कुल सही है। देखिए, किसी शख्स को अगर बुखार हो जाए तो हम बाहर तो बुखार की दवाई खाते हैं, फीवर हो गया उसकी पैनाडोल ले लें या कोई और डिफरेंट टेबलेट्स आप खा लेते हैं, पेन किलर। अब जो सियाने लोग हैं, जो समझदार हैं, वो इस सिर्फ बुखार पर नहीं जाते, वो अपना टेस्ट करवाते हैं कि मेरी बॉडी में कोई डी फंक्शन कहाँ चल रहा है, प्रॉब्लमेटिक कौन सा ऑर्गन है मेरा, और उसको पता चलता है कि उसके किडनी में कोई खुदा न खास्ता स्टोन है, उसके बॉडी के किसी और फंक्शन में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिएक्शन में उसे बुखार हुआ है। इसी तरह से सोसाइटी का भी एक स्ट्रक्चर है पूरा। सोसाइटी के अंदर जब कोई फॉल्ट आता है, मिसाल के तौर पर यही फॉल्ट जो आपने मिसाल दी है, इस फॉल्ट के पीछे पूरी माशरा जो है वो यकमुश्त कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ जी। आपके इंस्टीट्यूशंस, आपके लोग, मिसाल के तौर पे ये स्टूडियो हमारा, इसमें कैमरा, डेस्क, एंकर्स, गेस्ट, हमारा प्रोड्यूसर, सब लोग कनेक्टेड हैं एक साथ। इनकी कनेक्टिविटी से एक रिदम आएगा और उस रिदम का फिर हम टेस्ट ले सकते हैं। इन सेम वे जब माशरे के अंदर रहते हुए सिविक यानी माशर्ती मामला की डेफिशंसी होती है, रूल ऑफ लॉ की डेफिशंसी होती है, या बाकी अदारे अपना अपना रोल प्रॉपरली जब नहीं परफॉर्म कर रहे होते, तो इन डेफिशिएंसीज के बायस फिर जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन होता है जो उसको डायरेक्टली डील करता है, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले शायद बात हुई थी कि आप जब भी कोई माशरे में कोई मामला देखें, खुदा न खासा रोड एक्सीडेंट देखें, कोई ज्यादती देखें, तो अवामुन्नास को एक नंबर जहन में आता है, एंड दैट नंबर इज 15। सो क्यों? There are a lot of institutions who have developed their helpline numbers, but everyone knows 15. 15. और 15 इतना ज़्यादा helpful है। और किसी शख्स ने कभी ये सोचा कि 15 कितना ज़्यादा मतलब हमें protect करता है? और अब तो और ज़्यादा भी है जब से पंजाब से सिटीज अथॉरिटी और ICT के sense आ गई लोगों में, awareness आ गई। Exactly, मतलब जब से आप लोगों ने इसको portray करना शुरू किया है, rescue की help यहाँ से मिल जाती है, आपको medical की कोई सहूलत है वो यहाँ से मिलती है, इसके अलावा traffic की कोई आपको information लेनी है तब भी आप 15 पे call कर सकते हैं। Exactly, and lot of things इसके अलावा वासा पिछले दिनों बारिशों का सीजन था जी जी। तो वासा में वासा के जो नुमाइंदे वो यहाँ पर मौजूद थे और हम सीरियसली हम गटर देख रहे होते कि कोई खुला है कहीं यहाँ पे पानी जमा है, तो देखिए कितनी ज्यादा जो है इंटीग्रेट हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इंटीग्रेशन जो है किसी सोसाइटी की डेवलपमेंट का बाइस बनती है। तो वो खतून जिसके मकान पे कब्जा होता है तो वो अपना कैथारसिस इसलिए करती है कि वो उनके सामने ही एक शख्स होता है और वो टैग्ड है। मिसाल के तौर पर मैं एक वर्दी के रूप में एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इसके अलावा मेरे कई रोल्स हैं, मैं एक बेटा भी हूँ, मैं एक भाई भी हूँ, मेरे कई माशरे मैं दोस्त भी हूँ, तो मेरा एक ही रोल जाना जाता है कि ये पुलिस ऑफिसर है। और पुलिस ऑफिसर के होने की भी एक टिपिकल मेंटेलिटी है सोसाइटी में कि जिस शख्स ने ये वर्दी पहनी होगी वो शायद मिसबिहेव ना करता हो। भाई पुलिस आपकी हिफाजत के लिए, आपकी अमन अमान के लिए, आपकी मोहब्बतों को परवान चढ़ाने के लिए पुलिस तो हमतन गोश है।
थैंक यू सो मच मंशा साहब, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया और आपने बहुत अच्छी बातें बताई और अवेयरनेस हमें भी दी। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एमफिल थीसिस, क्योंकि ये टॉपिक इससे रिलेटेड था। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जी नाज़रीन, हमारे साथ मंशा साहब मौजूद थे जिन्होंने बताया कि मुआशरे में जो बेहतरी लाई जा सकती है वो अवाम और पुलिस के तावुन से है। अवाम का तावुन होना बहुत ज़रूरी है और आप में जो है वो एक सिविक सेंस होनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया, आप में बेसिक जो है मोरल्स होने चाहिए, बेसिक एथिक्स आपको होने चाहिए और एटिकेट्स का आपको पता होना चाहिए। ये आप अपनी फैमिली से सीखते हैं या आप अपनी कंपनी से सीखते हैं, इसलिए वो कंपनी इख्तियार करें जो आपको डेवलप करती है, ना कि आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती है। और इसके साथ ही साथ अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है और हमारे जाने का वक्त आ गया है। तो आखिर में हमने आपसे ये कहना होता है कि यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिएगा पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी के नाम से, हमारा पेज है फेसबुक पर भी। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर पंजाब पुलिस का कोई टैलेंट आपके पास, आप देखते हैं कि पंजाब पुलिस के किसी ऑफिसर में कोई टैलेंट है तो वो भी आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली हम उनको अपने शो में इनवाइट जरूर करेंगे। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेफ रहे, सेफ तरीके के साथ। अल्लाह हाफिज़।